हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारहवीं कक्षा के छात्रों का 4 मार्च 2024 को लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एड का एग्जाम है और इस एग्जाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन ताकि आप अपने एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर सकें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के अलावा दूसरे क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगा अब क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले सेक्शन ए है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे पहला क्वेश्चन है भारतीय शासन प्रणाली में मुख्य कार्यपालक डैश होता है तो इसमें ये इसका आंसर आएगा राष्ट्रपति उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कर्मचारी की पदोन्नति में डैश के सिद्धांत को अपनाया जाता है तो यहां पर आंसर में आ जाएगा योग्यता यानी कि एबिलिटी अगला क्वेश्चन है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन डैश को सौंपता है तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को फिर से आंसर में राष्ट्रपति आ जाएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय डैश में स्थित है तो ये है चंडीगढ़ के अंदर अगला क्वेश्चन है पंचायतों का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है तो आंसर में आ जाएगा पाँच वर्ष का होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय सतर पर वास्तविक कार्यपालक हैं तो ये होते हैं प्रधानमंत्री तो ऑप्शन डी जो है आंसर होगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में पदोन्नति देने का अधिकार किसे हैं तो ये है संबंधित विभाग प्रमुख को तो ऑप्शन ए जो है आंसर होगा इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में पंचायती राज को अपनाया गया था यानी कि भारत के अंदर सबसे पहले पंचायती राज जो है कहाँ पर लागू हुआ था तो ये हुआ था राजस्थान के अंदर ऑप्शन बी जो है आंसर है अगला क्वेश्चन है भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1990 के अंदर तो ऑप्शन बी जो है आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं यानी कि रिटायर होते हैं तो इसका आंसर आएगा पैंसठ वर्ष तो ऑप्शन ए जो है आंसर है अगला क्वेश्चन है भारतीय पुलिस सेवाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है तो ये हैदराबाद है के अंदर तो ऑप्शन सी जो है आंसर है अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक लोक निगम का प्रशासन निम्नलिखित में से नियंत्रित करता है यानी कि कौन नियंत्रित करता है कंट्रोल करता है तो इसका आंसर आएगा निदेशक मंडल तो ऑप्शन ए जो है आंसर है इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन भारत में भर्ती के क्षेत्र में योग्यता का सिद्धांत कब से प्रचलित है तो ये है अठारह सौ ईस्वी से तो ऑप्शन ए जो है आंसर है इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों या वाक्यों में दीजिए आंसर देखिए पंचायत भारतीय पंचायती राज संस्थाओं के कितने सतर स्थापित किए गए हैं तो इसके आंसर में आ जाएगा तीन सतर थ्री लेवल नेक्स्ट nice क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पदोन्नति का कोई एक गुण बताएं आंसर में आएगा पदोन्नति एक ऐसी जिज्ञासा है जिसमें आगे बढ़ने की स्वयं उपलब्धि सुलभ हो जाती है यानी कि आसान हो जाती है अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है तो भारत के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली है और अगला क्वेश्चन है भारत में बजट कौन तैयार करता है तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है भारत के अंदर बजट उसके बाद अगला क्वेश्चन है कथन और अभिकथन इस तरह के क्वेश्चन पहली बार आएंगे हरियाणा बोर्ड के अंदर तो कथन के अंदर है केंद्र सत्र के मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है और कारण के अंदर है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है अगला क्वेश्चन देखें अभिकथन के अंदर है बजट को वित्त मंत्रालय के नेतृत्व और निर्देशन में तैयार किया जाता है कारण के अंदर है वित्त मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय वित्त एजेंसी है तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन ए बनेगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कथन के अंदर है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच प्रधानमंत्री संचार का माध्यम है और कारण के अंदर है प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है उसके बाद है खंड ब त्मक प्रश्न दो दो नंबर वाले क्वेश्चन क्वेश्चन है है पहला है इसके अंदर राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए तो क्वेश्चन नंबर का आंसर है राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी कार्यपालिका को कहा जाता है जो कुछ समय के लिए चुनाव अथवा अन्य साधन द्वारा नियुक्त की जाती है अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन है टू। या संघ सरकार का क्या अर्थ है आंसर देखें यहाँ पर आंसर है संघ जिसे अंग्रेजी में फेडरेशन अथवा फेडरल कहा जाता है वास्तव में लेटिन भाषा के फोर्ड्स शब्द से बना है यानी कि ये जो शब्द है फेडरेशन ये लैटिन भाषा के फोर्ड्स शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता अतः संघ सरकार कुछ राज्यों का एक ऐसा स्थानीय संगठन है जिसकी स्थापना एक समझौते के आधार पर की जाती है यानी कि एक समझौते के समझौते के आधार पर जो है इसका गठन किया जाता है संघीय सरकार का जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य कुछ सामान्य यानी कि कॉमन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार गठित करते हैं तथा शेष उद्देश्यों की पूर्ति स्वयं करते हैं तो एक संघात्मक सरकार की स्थापना होती है तो इस प्रकार जो है एक संघात्मक सरकार बनती है यानी कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य जब अपने कॉमन यानी कि जो सामान्य उद्देश्य हैं एक जैसे जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए जो सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को संघात्मक सरकार कहते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अब अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों जिन्हें वह उचित समझता है कि सलाह से करता है यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके लिए जो है न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह ली जाती है और हाई कोर्ट के भी जो न्यायाधीश हैं उनसे भी सलाह ले सलाह लेकर राष्ट्रपति नियुक्त करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विभाग की कोई दो विशेषताएं बताएं तो आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर है पहला विभाग मुख्य कार्यकारी कार्यकारी के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है और दूसरा है सामान्यतः विभाग प्रशासनिक पद सोपान की सबसे बड़ी तथा उच्चतम इकाई है तो विभाग की विशेषताएँ पूछी गई थी तो पहली विशेषता ये बताई गई है कि विभाग जो है मुख्य कार्यकारी के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है और उसके बाद सामान्यतः विभाग प्रशासनिक पद सोपान की सबसे उच्चतम यानी कि सबसे बड़ी और उच्चतम इकाई होती है अगला क्वेश्चन देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव लोक निगम की कोई दो हानियाँ लिखी तो यहाँ पर आंसर है लोक निगम की हानि बतानी है लोक निगम को आवश्यकता से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के कारण कभी कभी धन के दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है तो एक तो ये बता दिया कि लोक निगम के अंदर जो है अगर वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि पैसों से संबंधित स्वतंत्रता ज़्यादा दे दी जाए तो पैसों का दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है उसके बाद है लोक निगम की प्रबंध व्यवस्था तथा कार्यालय जनसंपर्क में नहीं रहते यानी कि ये जनसंपर्क यानी कि जनता के संपर्क में नहीं रहते हैं जनता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाता और न ही जनता की प्रतिक्रिया इन्हें प्रत्यक्ष ढंग से प्राप्त हो पाती है यानी कि जनता की, की प्रतिक्रिया भी जो है लोक निगम को पता नहीं लगती क्योंकि ये जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध में नहीं होते यानी कि कांटेक्ट नहीं होता अतः इन्हें प्रजातांत्रिक नहीं माना जा सकता है और इसी वजह से इसे प्रजातांत्रिक नहीं माना जाता है अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पदोन्नति की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए आंसर देखें तो पहली विशेषता है कर्मचारी को वर्तमान यानी कि फिलहाल जिस पद पर है उससे उच्च पद यानी कि बड़ा पद दिया जाता है उस पद से और कर्मचारी के उत्तरदायित्व में यानी कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें वृद्धि होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन भर्ती का क्या अर्थ है आंसर देखें आंसर देखें भर्ती एक व्यापक क्रिया है जिसके द्वारा लोक प्रशासन में योग्य कर्मचारियों का संगठन उनका चुनाव किया जाता है और उन्हें पदों पर नियुक्त कर प्रशासन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है रिक्त रिक्त पदों पदों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का ध्यान आकर्षित करना ही भर्ती है भर्ती का अर्थ चयन नहीं बल्कि चयन भर्ती प्रक्रिया का एक अंग है तो भर्ती प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि लोक प्रशासन के अंदर योग्य कर्मचारियों का संगठन तैयार करना ताकि जो है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके क्योंकि कर्मचारियों का इसीलिए चयनित किया जाता है ताकि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए यानी कि जो काम है उनकी पूर्ति के लिए जो रिक्त है, पद हैं पद हैं उनके भर्ती के भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का ध्यान आकर्षित कर रहे यानी कि जो उचित उम्मीदवार हैं जो उपयुक्त हैं उनको आकर्षित करने के लिए जो है भर्ती निकाली जाती है और भर्ती का अर्थ चयन नहीं है बल्कि चयन जो है भर्ती प्रक्रिया का एक अंग है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एट अप्रत्यक्ष भर्ती क्या होती है आंसर देखें आंसर देखें, जब रिक्त पदों की को सेवा में कार्यरत कर्मचारियों या अधिकारियों से ही भरा जाए तो उसे अप्रत्यक्ष या पदोन्नति के द्वारा की गई भर्ती कहते हैं यानी कि इस अप्रत्यक्ष भर्ती उसको कहते हैं यानी कि जब कोई पहले से ही काम पर है जॉब पर है और उसको जो है पदोन्नति देकर उस पद को भरा जाए तो उसको जो है अप्रत्यक्ष पदोन्नति कहते हैं द्वारा की गई भर्ती कहते हैं अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन है विभाग के कोई दो आधार लिखिए आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कार्य तथा उद्देश्य यह विभागीय संगठन का परंपरागत एवं लोकप्रिय आधार रहा है इसके अनुसार विभाग का संगठन उस उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए जिससे वह है प्रेरित है उसके बाद है प्रक्रिया इस आधार पर विभाग का संगठन विशिष्ट व्यवसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है प्रक्रिया के आधार पर संबंधित विभागों के कर्मचारी विशेषज्ञ होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की योग्यता रखते हैं उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन सी चार नंबर वाले क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग का संगठन लिखिए तो आंसर देखें यहाँ पर है संगठन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका चयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है यानी कि नियुक्ति की जाती है इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित ग्यारह है संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा किया जाता है सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम दस वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदच्युत यानी कि पद को चुनने की जो विधि है उसका संक्षेप में वर्णन करें आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर है नियुक्ति भारत में नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर प्रमाणिक दुर्व्यवहार और अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निरीक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है अतः पद चयुति की प्रतिक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय प्रशासन का क्या अर्थ है आंसर देखें आंसर देखें वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है यानी कि पैसा इकट्ठा करना होता है तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो वित्तीय प्रशासन है इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंडर लोक प्रशासन आता है और इसके कार्य इसका जो काम होता है वो होता है पैसा इकट्ठा करना शासन के कार्य के लिए यानी कि सरकार चलाने के लिए तथा इस धन की विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना और विधि के अनुसार इस सुचारू रूप से इस पैसे को खर्च करना वित्तीय प्रशासन का यह दायित्व तो है कि वह है यह ध्यान रखे कि जनता के ऊपर ही उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है यानी कि वित्तीय प्रशासन का ये दायित्व है यानी तो कि ये जिम्मेदारी है इस चीज़ का ध्यान रखना कि जनता के ऊपर उतना ही टैक्स लगाया जाए जितना आवश्यक है यानी कि टैक्स का भार उतना ही डाला जाए जितना आवश्यक है इसके साथ साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से वे वह किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ ना हो और उसके साथ साथ ये ज़िम्मेदारी भी होती है कि जो जनता की कमाई है यानी कि जो टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा आता है उसको आवश्यक ढंग से खर्च किया जाए एक पैसा भी बर्बाद ना हो अतः वित्तीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने खर्च करने व्यय करने मतलब खर्च करने बजट बनाने आय और व्यय का हिसाब रखने सरकार के लेन देन तथा पूंजी एवं दायित्व का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है यानी कि ये सभी कार्य होते हैं इसके वित्तीय प्रशासन सरकार की सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देती है यानी कि जो वित्तीय प्रशासन है सरकार को जो सरकारी खर्च है उसमें कटौती करने का सुझाव देने का कार्य भी करता है ताकि सरकार के सामने वित्तीय दृष्टि से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न ना हो ताकि जो है सरकार के सामने कोई वित्तीय संबंधी कोई समस्या ना आए अगला क्वेश्चन देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री सर्वोच्च न्यायालय की कोई चार शक्तियाँ लिखी ने कि सुप्रीम कोर्ट की कोई चार शक्तियों के बारे में बताना है तो यहाँ पर आंसर है पहली शक्ति यदि केंद्र तथा एक से अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है यानी कि केंद्र और जो राज्य है, सरकारें हैं अगर उसके बीच कोई झगड़ा होता है तो उसका जो फैसला है सर्वोच्च न्यायालय करती है यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है तो दो अलग अलग राज्यों की जो, जो सरकारें हैं अगर उनके बीच अगर कोई झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय करती है उसके बाद है यदि सरकार किसी नागरिक या नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाए और तीसरे पॉइंट में यह बताया यदि सरकार किसी नागरिक या नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाए या उससे छीनने का प्रयास करे तो नागरिक ऐसे मामले की सीधा सर्वोच्च न्यायालय में आ सकते हैं यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को जो है शिकायत कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर फोर यदि राष्ट्रपति या, या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई झगड़ा उठे तो उसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसद लोक निगमों को कैसे नियंत्रित करती है आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर है भारत में संसद द्वारा लोक निगम पर नियंत्रण रखने के लिए जिन तरीकों का व्यवहार में प्रयोग किया जाता है वह इस प्रकार है पहला है प्रश्न पूछकर दूसरा है निगम के संबंध में आधे घंटे की बहस की मांग करके तीसरा है निगम को स्थापित करने वाले कानून में संशोधित संशोधन करके उसके बाद अगला है निगम पर निगम के पर प्रतिवेदनों में वाद विवाद करके उसके बाद अगला पॉइंट है निगम के संबंध में उस समय हस्तक्षेप करके जब उन्हें धन की आवश्यकता पड़ती है और जो संसद की स्वीकृति के बिना उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी लोक निगमों के संबंधित मामलों में प्रस्ताव पेश करके तथा उसे उस पर वाद विवाद करके सातवां पॉइंट है निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों में वाद विवाद करके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कोई चार प्रमुख संघात्मक विशेषताएं बताइए आंसर देख। तो यहां पर आंसर है पहला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान को सर्वोच्च माना गया है अन्य संघ संविधानों के भांति भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है भारत में कोई भी सरकार या संस्था अथवा व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है इसकी सभी संस्थाओं की शक्ति का स्रोत यानी कि जो संविधान है वो सभी संस्थाओं की शक्ति का स्रोत है संघीय सरकार तथा राज्य सरकारें इसके अनुसार अपना शासन चलाएंगे उसके बाद है शक्तियों का विभाजन अन्य संघीय संविधान की भांति भारतीय संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है उसके बाद है लिखित तथा कठोर संविधान भारतीय संविधान में संघीय सरकार का अन्य लक्षण संविधान का लिखित तथा कठोर होना भी है यानी कि जो भारतीय संविधान जो है लिखित है और कठोर है दोहरी शासन प्रणाली संघीय राज्यों में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था होती है भारत में भी संघीय सरकार और प्रांतों की सरकार दोनों ही संविधान की उपज होती हैं अगला है द्विसदनीय विधानमंडल संघीय शासन प्रणाली में भारत में भी द्विसदनीय विधानमंडल पाया जाता है उसके बाद ये है पाँच छः छः नंबर वाले क्वेश्चन क्वेश्चन देख लीजिए फिर मैं आपको इनका सोलूशन दिखाऊँगा क्योंकि अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर जो पहला छः नंबर वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का, का वर्णन कीजिए यानी कि संकट के समय पर जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं उसके बारे में वर्णन करना है तो पहला है देखिए यहाँ पर युद्ध या बाह्य आक्रमण यानी कि युद्ध के समय पर या कोई बाह्य आक्रमण कर दे दूसरा देश तो उस समय पर कौन सी शक्तियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है उसके बाद दूसरा राज्यों में संविधानिक तंत्र के विफल होने पर से उत्पन्न आपात यानि यहाँ पर ये बताया गया है कि राज्यों के अंदर जो संविधानिक तंत्र है अगर वो फेल हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा उसके बाद है वित्तीय या आर्थिक आपात और उसके बाद जो चोइस में क्वेश्चन था उसका आंसर है ये चोइस में क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रपति की वैधानिक या विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए तो ये उसको इस क्वेश्चन का आंसर है ये उसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थर्टी सेवन भारत में पंचायती राज के दोषों को दूर करने के उपायों का वर्णन करें ये इस क्वेश्चन का आंसर है ये उसके बाद जो क्वेश्चन चौबीस में था क्वेश्चन में जो चौबीस में जो क्वेश्चन था वो था तिहत्तरवे संवैधानिक संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन है प्रशिक्षण की मुख्य समस्याओं का वर्णन करें तो यहां पर आंसर है और उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है ये उसका आंसर है चॉइस में क्वेश्चन है प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें आंसर यहाँ पर है ये तो ये था बारहवीं कक्षा का पब्लिक एड विषय का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए